गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में क्लास टू फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर फाइव पढ़ाऊंगी, डल झील, द डल लेक। बच्चों, अल्लाह ने हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर की शक्ल में बहुत बड़ा और अनमोल तोहफा दिया है। हिंदुस्तान में कश्मीर की शक्ल में बहुत बड़ा और अनमोल तोहफा दिया है। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूसरे मुल्कों के लोग भी आते हैं। वह इसकी वादियों, झरनों, बागों और डल झील के हुस्न से लुत्फ अंदोज होते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का एक पुरकशिश और सैर व तफरी का खास मकाम है। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं। एक हिंदुस्तान से ही नहीं दूसरे मुल्कों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, यही डल झील है। इस झील का फैलाव तकरीबन 9 किलोमीटर है। इस झील से श्रीनगर का हुस्न और भी बढ़ जाता है। झील में बहुत सी तैरती कश्तियां नजर आती हैं। इन कश्तियों को वहां के लोग शिकारा कहते हैं। ये कश्तियां एक तरह से तैरते हुए खूबसूरत घर होते हैं। यहाँ आने वाले सयाह इन कश्ती नुमा घरों पर बैठकर झील का लुत्फ लेते हैं। ये तैरने वाले घर सयाहों को कराने पर दिए जाते हैं। इस तरह श्रीनगर के बहुत से लोगों का रोजगार चलता है। डल झील का पानी बहुत साफ होता है। डल झील का पानी कैसा होता है? बहुत साफ और स्वच्छ होता है। इस झील में वहाँ के लोग सब्जियाँ भी उगाते हैं। इसमें एक खास किस्म की घास भी पैदा की जाती है। इस घास से चटाइयाँ बनाई जाती है। सख्त सर्दी के मौसम में इस झील का पानी बर्फ बन जाता है। जब सर्दी पड़ती है तो इस झील का पानी बर्फ बन जाता है। इस पर लोग चलते फिरते हैं और बच्चे खेलते हैं। ये झील खुदा की कुदरत की एक निशानी है। तो बच्चों, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको आप लोग समझिए और उसको फिर से आप लोग पढ़िए। मैं अगले वीडियो में इसका अल्फाज व मानी आप लोगों को कराऊंगी। थैंक यू।